ईद मिलाद उन नबी के दिन सोशल मीडिया पर मनीष बाथम नाम के युवक ने मुस्लिम समाज के पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अशोभनीय और अशब्द लिखकर टिप्पणियां कर दी थी, जिसमें मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और मुस्लिम समाज ने इसकी शिकायत कल पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को ज्ञापन देकर की है। नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। तभी से ही पुलिस सक्रिय हुई और 24 घंटे में उनमें से एक युवक का पता लगाने में कामयाब हुई, जिसके चलते पुलिस सुबह करीब 10 बजे आपागंज पहुंची और उस मकान को घेर लिया जहां युवक छिपा बैठा था। और जैसे ही यह बात आपागंज में फैली, वैसे ही देखते वहां भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके चलते युवक को बाहर निकालकर थाने ले जाने से पहले पुलिस ने और बल बुलाया और उस युवक को आपागंज से पकड़कर सीधे माधवगंज थाने लेकर पहुंची। थाने पहुंचते ही वहां तनावपूर्ण माहौल दिखा, जिसके चलते पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर माहौल को दुरुस्त किया और भीड़ को हटाया। वहीं कुछ असामाजिक तत्वों ने लाइव वीडियो चलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। CSP गजेंद्र वर्धमान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और FIR दर्ज की जा रही है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या कुछ मामला था, एक युवक पकड़ा गया है आपागंज से? ये आपागंज में मनीष बाथम नाम का एक युवक रहता है, जिसने अपनी इंस्टाग्राम ID के द्वारा मुस्लिम समाज और उनके नबी के बारे में कुछ आपत्तिजनक अशोभनीय टिप्पणियाँ कमेंट लिखी गई थी, जिसको लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफ़ी रोष व्यक्त था और उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई है। इस प्रकार का एक आवेदन थाना प्राप्त हुआ है। उन्होंने उस कमेंट्स का स्क्रीनशॉट भी प्रस्तुत किया है, हमने उसका अवलोकन किया है, तो उस पर हम FIR दर्ज कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, अभी हमने आवेदन लिया है फरियादी से, आवेदन पे से FIR हो रही है। फिलहाल सभी लोग यहाँ पे है, बात की है और माहौल शांतिपूर्ण है और पुलिस एहतियात के तौर पे सतर्क सावधान है। क्या मामला हुआ था, अपने FIR भी दर्ज कराइए, मुस्लिम समाज के लोग भी? आज सुबह करीब 10 बजे तकरीबन आपागंज से कुछ मुस्लिम समाज के हमारे लोगों के फोन आए कि आपागंज निवासी कई मनीष बाथम करके हैं, जिन्होंने कुरान और मोहम्मद साहब के बारे में अशब्द और अशोभनीय टिप्पणी इंस्टाग्राम ID पर की है, जिसको लेकर आज हम थाना माधोगंज में आए थे और उसको लेकर आज हमने उसके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध कराया और आरोपी को थाना माधोगंज के TI साहब द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। और धारा 299 BNS के थ्रू उसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया है और तत्काल कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने की, उसका हम धन्यवाद करते हैं। और मेरा मुस्लिम समाज के लोगों से भी गुजारिश है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने घर पर रहें, उग्र ना हो और शांति सद्भाव बनाए रहें। उसमें आरोपी एक ही है जो कमेंट करने वाला है, उसका नाम है मनीष बाथम, जो आपागंज का ही निवासी है। सोनूपाल के खिलाफ जो कल FIR थाना क्राइम ब्रांच में की गई थी, एक सोनूपाल था उसमें और एक दूसरा आदि नाम से था, उसकी अभी जांच पड़ताल की जा रही है क्योंकि इंस्टाग्राम कंपनी को उसका मेल जाता है, उसमें 10 से 15 दिन का समय लगता है। उसमें मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया पर अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। आज थाना माधोगंज में जो मुकदमा पंजीबद्ध हुआ उसमें आरोपी तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।